हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपको दिखाएंगे श्रीनगर की जामा मस्जिद। तो यहाँ के जो पास के नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे हैं, आप देख रहे होंगे। तो भाई बहुत ही यूनिक मॉस्क है और इसका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। तो अंदर चलकर देखेंगे ये कैसी मॉस्क है और क्या कुछ खास है इसके अंदर। और ये जामा मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास में जो शॉप्स वगैरह हैं वो मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। ये आप मेरे बैक में देख रहे होंगे। तो काफ़ी रौनक वाला माहौल है, अंदर चलकर देखेंगे और मॉस्क आज आपको पूरी घुमाएंगे। भाई दोस्तों, फाइनली आ चुका हूँ मॉस्क के अंदर और मॉस्क के नज़ारे आप देख रहे होंगे कितने दिलकश हैं। तो इस मॉस्क को सुल्तान सिकंदर ने 1394 में बनवाना शुरू किया था और 1402 में ये मॉस्क बनकर तैयार हो गया था। तो अगर आप देखो भाई इसके नज़ारे, इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही ज़बरदस्त पर्शियन आर्किटेक्चर है इसका। और यहाँ का जो लुक है, जो नज़ारे हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा दिलकश हैं। और ये हरा भरा माहौल चारों तरफ और ये ज़बरदस्त जो है देवदार की लकड़ी की बनी हुई मॉस्क है और इसके जो भाई आर्किटेक्चर पर्शियन है। तो ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो ख़ास बातें हैं इस मॉस्क की। तो नज़ारे बहुत ज़्यादा दिलकश हो बने हैं यहाँ पर और मज़ा सुकून बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन ठंडक यहाँ पर इतनी है कि भाई अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। मतलब गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा कूलनेस इस मॉस्क के अंदर है कि आप दंग रह जाते हो। और सुकून और कबूतर भाई, ये देखो बैक में, ये देखो भाई, ओफो माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं। तो आज हैं श्रीनगर के अंदर और घूम रहे हैं श्रीनगर और आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की जामा मस्जिद, जो बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर आप श्रीनगर आते हो तो ये आपके डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल होनी चाहिए और आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बेहद सुकून और सुकून के लम्हे। और यहाँ पर अगर आप नमाज़ अदा करते हो तो भाई फिर तो चार चांद लग जाते हैं आपकी जर्नी के अंदर। तो ये कुछ नज़ारे हैं, बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर, पूरी बातें आपको बता रहा हूँ आज मैं श्रीनगर की। दोस्तों, इस मॉस्क का स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। इस मॉस्क में आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान इस मस्जिद को हुआ। जहांगीर बादशाह ने इस मॉस्क को दोबारा बनवाया और इसमें काफ़ी अच्छा काम कराया। उसके बाद इस मॉस्क में फिर आग लगी और फिर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इस मॉस्क में काम कराया। ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की ही देन है। तो औरंगज़ेब की वजह से ये जो आज इस मॉस्क का स्ट्रक्चर है काफ़ी खूबसूरत बन पड़ा है और काफी दिलकश बन पड़ा है। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ मॉस्क के हौज की तरफ, यानी वो इलाका जहाँ पर वज़ू करते हैं और अपने आप को पाक करते हैं। तो देखेंगे भाई कैसा हौज है इसका। हौज भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो ये देखो भाई, ये कुछ हौज है और हौज पर जो है कबूतर बैठे हुए हैं और कबूतर तो यहाँ हर वक्त उड़ते रहते हैं जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे और यहाँ पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। ये देखो भाई, ये देखो कैसे फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। यार जो रौनक जो है बिल्कुल दिलकश हो चुकी है यहाँ की। तो ये सारी बातें चल रही हैं आज श्रीनगर मॉस्क से। और मॉस्क बहुत बड़े इलाके में फैली हुई मॉस्क है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी बड़ा है। तो आप देख रहे होगे काफ़ी पुराना इतिहास है, काफ़ी पुरानी मॉस्क है। अब अंदर का एरिया आपको दिखाते हैं, अंदर का एरिया कैसा है, चलते हैं अंदर की साइड। Oh
तो दोस्तों ये अंदर का इलाका है इस जामा मस्जिद का, जहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी। और ये देखो भाई, यहाँ का जो कुछ नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही सुकून की जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है आज। और यार गर्मी के मौसम में इतनी ठंडक मैंने कहीं नहीं देखी जितनी श्रीनगर के अंदर आपको मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है पूरा पहाड़ी इलाका है और चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में हमारा श्रीनगर सिचुएटेड है। तो बहुत ही गज़ब की बात हो जाती है कि गर्मी में भी इतनी ज़्यादा ठंडक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये है भाई इसका अंदर का इलाका, मतलब बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट, बिल्कुल अंदर वाला इलाका जहाँ पर जमात वगैरह होती है, नमाज होती है यहाँ पर। और नमाज़ जब नमाजी ज़्यादा होते हैं तो बाहर भी नमाज अदा की जाती है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बिल्कुल इंटीरियर पार्ट दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल अंदर का पार्ट है। Subhanallah.